निकाह कर वरना घर से उठा लूंगा। हिंदू लड़की ने लगाई फांसी, पीड़ित पिता का दावा रफीक दे रहा था मुस्लिम बनाने की धमकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मुस्लिम युवक की प्रताड़ना से परेशान हिंदू लड़की ने खुदकुशी कर ली है। आरोप है कि लड़की पर रफीक निकाह का दबाव डाल रहा था, ऐसा नहीं करने पर घर से उठाने की धमकी देता था। घटना रविवार की है। पुलिस ने मामला दर्ज करके रफीक को हिरासत में ले लिया है। मृत लड़की के परिजनों ने रफीक के भाइयों पर भी धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना उत्तरी लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र की है। आत्महत्या करने वाली लड़की के पिता संतराम शर्मा कारपेंटर हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया है कि रफीक उनकी बेटी पर आए दिन निकाह का दबाव बनाया करता था। अपने भाई के नेता होने का धौंस दिखाते हुए लड़की को घर से उठा ले जाने की धमकी देता था। शिकायत के मुताबिक घर से उठा ले जाने की धमकी और निकाह के दबाव से परेशान होकर लड़की ने 8 जनवरी को खुदकुशी कर ली। रफीक सिद्दीकी सिलाई का काम करता था, बोरी का। फिर हमारी बिटिया दूसरी जगह नौकरी करने जाती थी, उसका घर रास्ते में पड़ता था। उसने फिर टॉर्चर इसको करना चालू कर दिया। लड़के के ऊपर सर दबाव बहुत जोर बनाया जा रहा था। इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा था, दबाव ये बनाया जाता था कि आप अपना धर्म हमारे धर्म में आ जाओ। तो वो लड़की 10 दिन से छुट्टी लिए घूम रही थी। पुलिस ने संतराम की तहरीर पर आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए मजबूर करना, उस मामले में FIR दर्ज किया है। लखनऊ पुलिस के DCP उत्तरी क्षेत्र के मुताबिक आरोपित को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र मड़ियांव में वादी श्री संतराम शर्मा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उनकी पुत्री जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, उसने फांसी लगाकर के सुसाइड किया है। उस प्रार्थना पत्र में यह भी बताया गया कि सुसाइड करने का कारण एक लड़का जिसका नाम रफीक सिद्दीकी है, ये लगातार इनकी पुत्री को परेशान करता था और जिसे तंग आकर पुत्री ने कदम उठाया है। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है और दबिशें दी जाती हैं। फलस्वरूप आज रफीक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने वीओपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।